रही हूँ इनवेदा का मॉइस्चराइजर और इसे मैं हल्का सा लूंगी और दो डॉट्स में अपने फेस पे अप्लाई करूंगी और फेस के साथ साथ मैं इसे नेक पर भी अप्लाई करूंगी ताकि मेकअप काफी नेचुरल लगे। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट प्राइमर। ये मेरे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग स्टे रखेगा और मैं ब्राइडल मेकअप लुक कर रही हूँ तो मेरे लिए जरूरी है मेरे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग स्टे रखना। और अगेन इसे भी मैं फेस के साथ साथ नेक पर अप्लाई करूंगी डॉट डॉट्स में। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ लॉरियल ट्रू मैच एंड मेबलिन फिट मी फाउंडेशन। इनको मैं दोनों को मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करूंगी और मैं एक ब्रश की हेल्प से इसे अपने फेस पे अप्लाई करूंगी और दोनों फाउंडेशन में से मैं हल्का हल्का फाउंडेशन अपने हाथ पे लूंगी कुछ इस टाइप में। अपने फिंगर की हेल्प से मैं दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी देन इसे अपने फेस पे फिंगर की हेल्प से अप्लाई करूंगी कुछ इस टाइप में एंड साथ ही साथ में इसे नेक पर भी अप्लाई करूंगी अच्छे से। कंसीलर के लिए मैं यूज कर रही हूँ LA गर्ल का प्रो कंसीलर और मैं इसे एक मिनी स्पॉन्ज की हेल्प से अप्लाई करूंगी। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ मेबलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर और इससे मैं अपने फाउंडेशन को अच्छे से सेट कर लूंगी। फेस को कॉन्टोर करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ फोकल्यूर का ये पैलेट और इसमें मेरी शेड है 03। सो गाइज नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ ये ब्लश और इसकी शेड जो है वो काफी लाइट है। अनुष्का शर्मा के मेकअप में वेडिंग इंस्पायर्ड मेकअप में काफी लाइट ब्लश उन्होंने यूज किया है इसलिए मैं इस ब्लश को यूज कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं फिल करूंगी अपनी ब्रोज जिसके लिए मैं यूज करूंगी फोकल्यूर प्रो शेपर। देन इसे मैं एक स्पूली की हेल्प से अपनी ब्रोज को सेट कर लूंगी। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ LA गर्ल का कंसीलर एज अ प्राइमर आई प्राइमर और इसे मैं अपनी फिंगर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। गाइज अनुष्का शर्मा का जो मेकअप था वो काफी लाइट कलर में था लाइट पिंक कलर की उन्होंने आई शेडो लगा रखी थी तो मैं इसमें यूज कर रही हूँ फोकल्यूर का आई शेडो पैलेट और इसकी जो शेड्स है वो बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस है। सो गाइज फर्स्ट शेड मैं इसमें से अप्लाई कर रही हूँ ये वाली। नेक्स्ट शेड इसमें से मैं पिक कर रही हूँ लाइट पिंक कलर की शेड
एंड लास्ट शेड इसमें से मैं पिक कर रही हूँ लाइट पिंक कलर की अगेन शेड, एंड ये थोड़ी सी शिमरी टाइप में है। सो गाइस नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ लॉरियल का काजल। नेक्स्ट मैं कर्ल करूंगी अपनी लैशेस। एंड मैं अप्लाई करूंगी मेबलिन हाइपर कर्ल मस्कारा। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ नाबी ब्रांड का लिप लाइनर। एंड लास्ट में लगाऊंगी लिपस्टिक, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ एले गर्ल की लिपस्टिक, जिसमें मेरी शेड है फ्लोर। एंड इसे मैं अपने फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करूंगी अच्छे से। गाइस लास्ट अब मैं अप्लाई कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर, और ये मैं काफी लाइट लगाऊंगी क्योंकि अनुष्का शर्मा वेडिंग मेकअप में उनका हाइलाइटर काफी लाइट था। एंड लास्ट में यूज कर रही हूँ एले गर्ल का मेकअप फिक्सिंग स्प्रे, क्योंकि मैंने ब्राइडल मेकअप लुक किया है और इसके लिए बहुत जरूरी है ज्यादा टाइम तक स्ट्रे रहना। सो गाइज अब लास्ट में सेट करूंगी अपने हेयर, जिसके लिए मुझे जूड़ा बनाना पड़ेगा, बट अभी मेरे पास फ्लावर्स नहीं है तो मैं ये फेक जूड़ा यूज कर रही हूँ, एंड साथ में कुछ टिक टैक पिंस का यूज कर रही हूँ। सो गाइज यहाँ पर अभी मेरे पास चूड़ा पिन नहीं है, इसलिए मैंने किया है सिर्फ काम चलाऊ काम। आप इसे अच्छा चूड़ा बना सकते हो अगर आपके पास पिंस हो, चूड़ा पिन जो आती है वो। एंड अब लास्ट में वेयर करूंगी अपनी ज्वेलरी। दिस इज द फाइनल लुक। आई रियली होप कि आपको मेरा ये अनुष्का शर्मा वेडिंग इंस्पायर्ड मेकअप लुक अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और साथ ही साथ आप मेरी इस वीडियो को कर सकते हैं अपने फ्रेंड रिलेटिव्स या किसी के भी साथ शेयर। सो टिल देन टेक केयर, बाय गाइस। और हाँ, आपको मेरा ये मेकअप लुक अच्छा लगे तो मुझे कॉमेंट्स करके जरूर बताना, और आगे से मैं ऐसे ही इससे भी अच्छे अच्छे और मेकअप लुक आपके लिए लेके आती रहूंगी। सो टिल देन टेक केयर, बाय गाइस, लव यू।